दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बोर्ड की वायरिंग करना प्रॉपर तरीके से दिखा रहे हैं। दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे किस तरह से एक बाई एक स्विच को वायर से जोड़ना है और किस तरह से लुच्छी बना के वायर को बटनों में लगाना है। तो दोस्तों, जो छील के पहले वायर लगाते थे नॉर्मल बटनों में, वो अब ऐसा नहीं है। ये नॉर्मल बटने हैं, नॉर्मल प्लेटें हैं, इसमें हर एक आइटम नॉर्मल है दोस्तों, नहीं है पहले जैसा। अब दोस्तों, मॉडलर का ज़माना है तो इसमें हर एक आइटम मॉडलर लगी हुई है, जैसे कि मॉडलर साकेट है, मॉडलर स्विच है, मॉडलर रेगुलेटर है, मॉडलर MCB है। इस तरह से तो हर आइटम मॉडलर में आ गई है। दोस्तों, हम वायरिंग इसलिए इस तरह करेंगे क्योंकि छिली हुई वायर से कभी भी बोर्ड खोलने में, चालू लाइन में काम करने में दिक्कत होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्विच को कैसे बिठाना है, इस तरह से दबा देना है। बहुत ही आसान हो गया है दोस्तों पहले से। पहले स्क्रू से टाइट करना पड़ता था बटनों को, अब जो है वैसा नहीं है। अब लॉक सिस्टम है, लगा के सिर्फ दबा देना है और आसान हो गया है पहले से। पहले बहुत टाइम लगता था। आप देख सकते हैं, ये ऊपर का भाग ऊपर रखना है दोस्तों, इस तरह से बटने फिट कर देना पहले, इसके बाद में वायरिंग आपको करनी है। इसके बाद ले जाके जो GI का बोर्ड है, जो पॉइंट निकले हुए हैं उसमें जाके मेन लाइन, इसके बाद पॉइंट हैं, उन सब में अटैच कर देना है दोस्तों। एक एक करके दबा देना है। हम तो चेक करके लगाते हैं सब, तो आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे बोर्ड को लगाना है, बांधना है। पहले बांधने के बाद इसको स्क्रू से टाइट किया जाता है दोस्तों। तो आप यहाँ पे एक अच्छी वायरिंग करना सीख सकते हैं, बोर्ड की वायरिंग करना दोस्तों। अंडरग्राउंड वायरिंग के बारे में हमने अगले वीडियो में दिखाया है, और भी दोस्तों जो भी मेरे तो हो सकेगा मैं आपको अगले वीडियो में ऐसे ही आपको कुछ ना कुछ सीखने जैसा दिखाता रहूँगा। तो दोस्तों, हम जहाँ तक हमारी कोशिश है कि हम बारीकी से हर चीज़ आपको दिखाते हैं ताकि आप समझ सकें और नए लोग जो हैं वो सीख सकें। इस तरह से बोर्ड दोस्तों हो जाता है पूरे पॉइंट। इसमें कोई भूल नहीं करनी है दोस्तों कि न्यूट्रल फेस को टच नहीं होना चाहिए, एक दूसरे में कहीं भी लाइन मिलनी नहीं चाहिए, और प्रॉपर तरीके से ध्यान लगा के ही पॉइंटों को लगाना है। क्योंकि दोस्तों, एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। कई जगह ऐसा हुआ है दोस्तों, जैसे आप लाइट चालू करते हैं तो पूरा जल जाता है। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो के जरिए आपको बोर्ड की वायरिंग करना दिखाया। दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों शेयर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। यहाँ पे इस तरह से दोस्तों लास्ट में स्क्रू से प्रॉपर बोर्ड को सीधा तरीके से फिटिंग करना है ताकि टेढ़ा भी ना दिखे। और दोस्तों, सभी स्क्रू जब फिट कर दें उसके बाद में आपको क्या करना है, आप पहले यहाँ ये देख लें कि स्क्रू किस तरह से फिटिंग करना है। इस तरह से आप फिट कर सकते हैं स्क्रू सारे एक बाई एक स्क्रू, और कभी आलस ना करें कि एक दो स्क्रू ना लगाएं, प्रॉपर जितने उसमें स्क्रू का ऑप्शन है उतने स्क्रू आपको लगाना है। अगर स्क्रू नहीं लगाएंगे कभी बाई चांस तो थोड़ा बहुत ढीला हो जाता है, कोई दूसरा खोलेगा तो एक दो स्क्रू अगर खो जाते हैं तो ऐसी दिक्कत कभी दोबारा। इस तरह से दोस्तों प्लेट लगा देना ऊपर से प्रॉपर तरीके, आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम पूरी तरह से यहाँ पे ये बोर्ड फिट हो गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।